गुड मॉर्निंग। आज हम शोषण में पढ़ेंगे कि जंतुओं में शोषण कैसे होता है। तो आइए देखते हैं जंतुओं में शोषण किस प्रकार से होता है। जंतुओं में जो शोषण की जो विधियां होती हैं या फिर कहें जो उनमें अंग होते हैं वो तीन प्रकार से होते हैं। कितने प्रकार से होते हैं? तीन। जो सबसे पहला है वह है श्वास नली। श्वास नली या फिर उनको बोलते हैं ट्रेकिया या ट्रेकिया। और जो दूसरा है वो होता है गिल्स। दूसरा जो है वो गिल्स है। और जो तीसरा है वो है फेफड़ा। फेफड़ा, ठीक। तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि जो जंतु होते हैं वो कुछ जंतु जो होते हैं जो जल में पाए जाते हैं, कुछ स्थल पे पाए जाते हैं, कुछ स्थल और जल दोनों में पाए जाते हैं। तो उन्हीं के आधार पर इनमें जो श्वसन अंग हैं वो निम्न प्रकार से पाए जाते हैं। तो आइए देखते हैं जो श्वसन श्वास नली या फिर ट्रेकिया है वो किस प्रकार के जंतुओं में पाया जाता है। जो श्वास नली या ट्रेकिया है वो कीटों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? कीटों में। कीटों में पाया जाता है, जैसे तिलचट्टा, ठीक। तो हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि जो श्वास नली या ट्रेकिया जो श्वसन करने का जो अंग है वो किस प्रकार के जंतु में पाया जाता है, फिर किसमें पाया जाता है। तो वो श्वसन अंग होता है किसमें? कीटों में पाया जाता है। और एग्जाम्पल के तौर पे हम कह सकते हैं जैसे तिलचट्टा, ठीक। और उसके बाद है गिल्स। गिल्स जो होता है वो किसमें पाया जाता है? मछलियों में पाया जाता है। मछलियों में, ठीक। तो जो गिल्स होता है मछलियों का श्वसन अंग होता है। ये गिल्स से श्वसन कैसे करते हैं? इसे जो जल होता है जल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड बहुत प्रकार की जो भी गैसें होती हैं वो उसमें क्या होती हैं, वा जल में क्या होती हैं, मिक्स होती हैं। लेकिन उनको क्या चाहिए होता है? ऑक्सीजन चाहिए होता है। तो वो क्या करती हैं? इस गिल्स की सहायता से, किसकी सहायता से? वो इस गिल्स की सहायता से बाकी जितने भी मतलब ऑक्सीजन होते हैं या फिर जितने भी तत्व होते हैं क्या करती हैं, वो उनको अलग कर देती हैं। और इस गिल्स की सहायता से वो क्या करती हैं? ऑक्सीजन अपने अंदर ग्रहण करती हैं, ठीक। और तीसरा जो है वो है फेफड़ा। और फेफड़ा जो है वो बड़े जीव जंतु, बड़े जीव जंतु जैसे मनुष्य कामा जानवर, ठीक। तो फेफड़ा जो मतलब श्वसन करने की जो मतलब श्वसन का जो अंग है वो किसमें पाया जाता है? बड़े जीव जंतु में। बड़े जीव जंतु में कौन आएंगे? जैसे मान लीजिए मनुष्य आ गए, जानवर आ गए। तो इस प्रकार के जो जंतु हैं वो जो श्वसन अंग हैं वो किस में पाए जाते हैं? मनुष्य में पाए जाते हैं। वो क्या करते हैं? फेफड़े से श्वसन की प्रक्रियाएं करते हैं। जब नाक से जब वो वहाँ सांस को खींचते हैं, जब हवा उनके अंदर जाती है तो वो जो गतिविधियां होती हैं मतलब श्वसन अंग जो होता है उनका कहाँ क्या होता है? फेफड़ा होता है। तो हम कह सकते हैं जो फेफड़ा होता है वो किसका मतलब किस प्रकार के जंतु का श्वसन अंग है? मनुष्यों का या फिर जानवरों का या फिर कह लीजिए बड़े जीव जंतु में, ठीक। उसी प्रकार से जैसे अभी आप देख लिए जो श्वास नलिका है या फिर ट्रेकिया है वो कीटों का श्वसन अंग होता है, और जो गिल्स होता है वो मछलियों का होता है, और जो फेफड़ा होता है वो बड़े जीव जंतु या फिर मनुष्यों का होता है, ठीक।
अब हम आगे पढ़ेंगे एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे इतना इतने सारे हो गए तो हम पढ़ेंगे इसमें से किसका, मनुष्यों का पढ़ेंगे, मनुष्यों में श्वसन किस प्रकार से होता है। तो आइए देखते हैं।